मैं कुमारी शिखा। आज मैं एक खास टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। मेरे कमेंट में बहुत सारे लोग नीचे में आकर के लिखते हैं कि मेरे पास बच्चा अवेलेबल है, आप गोद ले लो। मैं लीगली प्रोसेस के साथ दे रहा हूँ, आप कहाँ से हैं बताइए, मैं आपको गोद दे दूँगा। कोई लिखती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा ले लो। कोई लिखती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं बच्चा गोद देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट आकर के करते हैं और आप लोग भी उन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और लिखते हैं कमेंट में कि प्लीज़ मुझे दे दीजिए, भैया कहाँ से है, कहाँ लेना है, प्लीज़ मुझे बच्चा चाहिए, प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि वो लोग फर्जी लोग हैं और प्लीज़ उन लोगों की बातों में ना आए। वो लोग पेरेंट्स से पैसा ले लिए हैं। जो भी पेरेंट्स हमारे हैं जिनके साथ गलत हुआ है, कुछ पेरेंट्स के साथ उन्होंने गलत किया है, बच्चा गोद देने के नाम से जो है उन्होंने पैसा ठगी कर लिया है, उनसे पैसा जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा लिया है गोद देने के नाम से। तो प्लीज़ उन लोगों के बहकावे में ना आए। वो लोग फर्जी लोग होते हैं, उन लोग का धंधा ही होता है कि दूसरों के वीडियो में जा कर के रायता फैलाना। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इन लोगों की बातों में ना आए। और अगर ये लोग ऐसा कमेंट करते हैं तो इनको वहीं पे जवाब दें कि वो लोग इस काम को बंद करें, ये जो धंधा खोल रखा है उन लोगों ने इसको बंद करें। और ये सब आप लोगों की सपोर्ट से ही होगा। मैं हर एक कमेंट में जा कर के लिखती हूँ कि प्लीज़ इन लोगों की बातों में ना आए, ये लोग बहका रहे हैं आपको, लेकिन मेरा सुनता कौन है, मेरे बातों पे भरोसा ही कहाँ है लोगों को। तो वहाँ पे एक कमेंट आया कि मेरे पास बच्चा अवेलेबल है, आप वहाँ पे देखेंगे धराधर 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 मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे। वो आपको बच्चा नहीं देने वाले हैं, बदले में आपसे पैसा ट्रांसफ़र करवा लेंगे, जैसा पेरेंट्स के साथ उन्होंने किया है। एक पेरेंट्स ने हमें बताया कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, बच्चा गोद देने के नाम से 5,000 रुपया ट्रांसफ़र करवा लिए थे रजिस्ट्रेशन के नाम से, और बाद में जो है उससे पैसे और ज़्यादा डिमांड किए, लेकिन उनको जब डाउट हुआ तो वो बोले कि नहीं पहले आप बच्चा दे दो फिर मैं पैसा ट्रांसफ़र करूँगी, तो उसका नंबर जो है ब्लॉक कर दिया। अब वो पेरेंट्स के पास कोई रास्ता ही नहीं है कि वो कहाँ ढूँढे उसको। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझसे कि अब ये जो गलत हो रहा है ये प्लीज़ आप दूसरों लोगों को बताइए ताकि उन लोगों के साथ ऐसा ना हो। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग उन लोगों की बातों में ना आए और उन लोगों के बहकावे में ना आए। वो लोग आपको बच्चा देने वाले नहीं हैं, वो लोग धंधा खोल के रखे हुए हैं, इसी तरह लोगों को बहलाते फुसलाते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं। और ज़्यादातर वो टारगेट उसी लोगों को बना रहे हैं जो ये नहीं जान सकते कि मेरा प्रोफाइल अलग है और वो जो कमेंट कर रहा है वो प्रोफाइल अलग है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैं देखती हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि वो मैं ही हूँ जो नीचे में कमेंट कर रही हूँ कि ठीक है मैं बच्चा दे दूँगी तो ऐसे वैसे। तो प्लीज़ इन लोगों से मेरा किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है। अगर कोई आपको कमेंट करके ये कह रहा है कि मैं बच्चा दे दूँगा और प्लीज़ मुझसे बात करो, कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, मैसेज कीजिए, तो प्लीज़ इन लोगों के बातों में ना आए। अगर इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं तो मेरा उससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और प्लीज़ उन लोगों के बहकावे में ना आए। और वो जो मेरे वीडियो में आकर के इस तरह का कमेंट लिखते हैं कि मेरे पास बच्चा अवेलेबल है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बच्चा देना है लीगली प्रोसेस के साथ, बच्चा ले लो, तो वो ध्यान से सुन ले कि मेरे कमेंट में रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपना धंधा है ना ये बंद करो और लूटना बंद करो पेरेंट्स को, ये जो धंधा है ना ये बंद करो अपना, ठीक है। और प्लीज़ हमारे पेरेंट्स को बहकाने की कोशिश मत करो, ये लोग तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और अपना धंधा तुम बंद करो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मैं कंप्लेन कर दूंगी, और इतना भी मुश्किल नहीं है तुमको ढूंढ के निकलवाना। तो प्लीज़ मेरे कमेंट में आकर के इस तरह का कमेंट मत करो। अगर अब तुम लोगों का दोबारा कमेंट आता है इस तरह से तो मैं तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। और आप लोग पेरेंट्स प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इनकी बातों में मत आए। मैं हर एक कमेंट में हर एक पेरेंट से जाकर के रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ इन लोगों की बातों में ना आए, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी आप लोगों ने। और जिनके साथ ये बुरा हुआ है, जिनके साथ गलत हुआ है, मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। और बाकी पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों की बातों में ना आए।
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं ताकि मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।